इस प्रॉब्लम में, एनर्जी की प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि आपको दो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, दोनों बहुत दूर है इनिशियली। बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि पता नहीं कितनी दूर होंगे, इन्फिनिटी का मतलब कि एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक रेंज में नहीं है, बस इतना ही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यहाँ पर है तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो मैंने इनको इनिशियली फेंक दिया विद अ स्पीड ऑफ 10^6 मीटर पर सेकेंड और एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। अब कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट के अफेक्ट में आ ही जाएंगे, जब ये आएंगे तो ये रिपेल करना शुरू करेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये ना टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, रुक जाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो जब वो रुकेंगे, कितना डिस्टेंस पहले रुक गए उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। शायद केमिस्ट्री में वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो सुना देता हूँ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुना होगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बम्बार्टमेंट हुई थी अल्फा पार्टिकल की। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया था। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 ही होता है, तो ये इसको स्ट्राइक करता है लेकिन वो हिट नहीं कर पाता, इसके अंदर नहीं घुसा वो, तभी तो पता लगा न्यूक्लियस है, घुस जाता पार हो जाता, अभी तो न्यूक्लियस था ही नहीं। तो ऐसे केस में ये रीबाउंड कर वापस चला गया। तो कितना डिस्टेंस पहले रुक गया उसको बोलते हैं उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसमें भी यही है। तो हुआ क्या, जब ये बहुत दूर थे तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, क्योंकि इसमें वैक्यूम है ना तो इसमें एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, और जब ये आके रुक गया यहाँ पे तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। तो जैसे जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आर क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इन्फिनिटी, तो उस टाइम पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0, 1/4 πε0 ई इंटू ई बाई इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, तो कोई कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जब ये चले थे तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 × m × 10^6 इंटू 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये काइनेटिक है। और जब ये यहाँ पे आके रुक गए तो काइनेटिक क्या हो गई, 0, और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, Q1 × Q2 / r0। इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, r0 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है इसमें, कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। तो ये समझ में आ रहा है करना कैसे है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जब जब बहुत दूर है तो काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है, और जब पास आ गए तो पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, इक्वेट करके आंसर। ठीक, लॉजिक समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, 3 चार्जेस है, Q, 2Q और 8Q, और कहाँ पर प्लेस्ड है, 9 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर रखे गए हैं, स्ट्रेट लाइन पर रख दिए। आपको क्या करना है, आपको पोजीशन ऑफ चार्जेस बतानी है, आपको बताना है कि कौन सा चार्ज एग्जैक्टली कहाँ पुट करूँ, क्यू का, 2Q का, 8Q का, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखना 9 सेंटीमीटर लाइन पे है, ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाए, मिनिमम। अब रूल नंबर 1, देखो मेरी मर्जी है रखने की, तो मैं बड़े बड़े चार्जेस को एक साथ कभी नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना है। चार्ज अगर बड़े इकट्ठे हो गए, पास हो गए, तो आर कम हो गया, एक तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, ऊपर से आर भी छोटा हो जाएगा, तो एनर्जी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए काम करना है, जो बड़े चार्जेस हैं उनको कॉर्नर पे रखना है, ताकि इनका प्रोडक्ट तो बड़ा है ही, इनका डिस्टेंस बड़ा करके इनकी एनर्जी को कम कर सके। तो पॉइंट समझ में आया, लॉजिक क्या है, क्योंकि उसने कहा कि आप खुद डिसाइड करें चार्जेस को कहाँ रख रहे हैं। तो पहला डिसीजन मेरा ये होगा कि 3 चार्जेस में से बड़े चार्जेस कॉर्नर पे हैं और छोटा चार्ज कहीं बीच में रखेंगे। अब मैं बताऊंगा कि छोटा चार्ज कहाँ रखेंगे, मान लो एक्स डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ये कितने, 9 − x, क्लियर है यहाँ तक? तो बोलो सिस्टम की एनर्जी कितनी है, दो दो करके कैलकुलेट करें, 1/4 πε0, पहले इन दो की, फिर इन दो की, फिर कॉर्नर की। तो इन दो चार्जेस की एनर्जी क्या है, 1/4 πε0 2Q × Q/x, सेंटीमीटर चल रहा है 9, तो ये भी 10^-2 करके मीटर कर लिया, क्यू और 8Q की एनर्जी आ गई, और 2Q और 8Q की भी एनर्जी आ गई, 3 पेयर ऑफ एनर्जी लिख ली। अब क्योंकि एनर्जी को क्या करना है, मिनिमम, और आपको निकालना है एक्स, तो मैथ का रूल क्या है, किसी भी चीज़ को अगर मिनिमाइज करना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देना है, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, जो निकालना है, क्या वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, U की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये देखो d/dx ऑफ u पूरे का पूरा पुट कर दिया, इक्वल टू 0। देखने में बड़ा है कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे 0 है, ये वैसे ही कट गया, 0 से गया,
10 की पावर माइनस 2 भी गई 0 से, फिर छोटा क्यू छोटा क्यू, इधर भी छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू, ये भी गया। फिर डिफरेंशिएशन ये तीन टर्म्स की होगी, इसमें ये और ये तो है ही कांस्टेंट, एक्स तो आ ही नहीं रहा, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन फिर क्या होती है मैथ्स में, ज़ीरो। तो ये तो वैसे ही गया, बच गई दो टर्म्स, तो यहाँ से ज़ीरो से वैसी टर्म्स कट गई, टू बचा और एक्स बचा, इधर से एट बचा और नाइन माइनस एक्स बचा, तो इसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसको ओपन करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद टू बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, एट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, माइनस वन इंटू नाइन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन माइनस एक्स। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन जीरो और डी एक्स बाई डी एक्स वन है, ये टर्म आ गया। इसे राइट साइड पे ले गए, माइनस माइनस कट गया, इसको डिनोमिनेटर में आठ और दो भी कट गया, डिनोमिनेटर में ले गए, अंडर रूट ले लिया, एक्स की वैल्यू सॉल्व की, एक्स की वैल्यू आ गई तीन। तो पॉइंट समझ में आया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है।